खबर यूपी के बहराइच से, जहां भेड़िये की दहशत बनी हुई है। एक बार फिर भेड़िये ने महसी इलाके में हमला बोला। इस हमले में 11 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। भेड़िये ने बच्चे की गर्दन पर वार किया, हालांकि बच्ची जोर से चिल्लाई, जिसके बाद भेड़िया भाग खड़ा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले करीब 52 दिनों में अभियान में वन विभाग ने अब तक झुंड के 5 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सब हमार बिटिया माता है, बिटिया सोईता है घर में, तो घर में से सब उठाए लगेगा, तो साहब जब चिल्ला बिटिया तब हम दौड़े बिटिया छीने लागे, तब सब गांव भर दौड़े साहब, तब हमारे बिटिया छोड़ा है बहनी है। अभी देख घाटी लागे और यू लाग है, छत तब लाग है। इस केस का एनिमल बाइट का केस था। एंटीरियर एस्पेक्ट्स पे सुपरफिशियल लेसरेटेड वुंड थे, जिसको नोट करके और ट्रीटमेंट दिया गया है। और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे भी लेसरेटेड वुंड थे, जिसका ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बहराइच में भेड़िये को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहराइच के महसी तहसील के 50 से अधिक गांव में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों को पकड़ने का काम जारी है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जिस 11 साल की लड़की पर भेड़िये ने हमला किया, उस जगह की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। देखिए, ये ग्राम सभा मैकू का पुरवा का गड़रियन का पुरवा गांव है। यही घर है जहां से बच्ची को अभी थोड़ी देर पहले भेड़िया उठा कर ले गया था। गांव के लोग अगर न बचाते तो शायद आज उसका समय समाप्त हो जाता। यहां से बच्ची को उठा करके खरिंजा पर लेकर के आया, और ये जब लोग गांव के लोग दौड़े तो यहां बच्ची को छोड़कर भागा। उसके बाद दोबारा फिर उसने प्रयास किया कि किसी भी तरीके से उस बच्ची को यहां से उठा ले, लेकिन गांव के लोगों के कारण ये संभव नहीं हो पाए। बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जो गरीब लोगों के सामने, जिनके कारण ये सब चुनौतियां पेश आ रही हैं। ये घर है लेकिन इसमें दरवाजा नहीं रहे। हो सकता है कि किसी योजना के माध्यम से चीजें बनी हो, लेकिन अभी तक इन घरों में दरवाजा नहीं लगा है। कई जगहों पर दरवाजे लगाए गए हैं, लेकिन अभी इस घर में दरवाजा नहीं लग पाया है। तो चुनौतियां बहुत हैं। लगातार प्रशासन, शासन और जो बाकी एजेंसियां हैं, वो भी प्रयास कर रही हैं कि घटनाएं किसी तरह रुकें, लेकिन अभी तक की जो चुनौतियां हैं वो ये हैं कि अभी तक घटना नहीं रुकी। एक जो भेड़िया बचा है, बता रहे हैं गांव के किनारे पहले एक कुत्ते को उसने पकड़ा, उसके बाद इस बेटी को उठा करके गया, तो किसी तरीके से गांव वाले लोगों ने बचा लिया। गांव उसका CSC में ट्रीटमेंट होने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाएगा और ये जो ग्राम सभा के गाँव के लोगों के सामने जो चुनौतियाँ हैं वो समाप्त होंगी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, DD News, बहराइच।